तो अब ये बन रहे हैं कोफ्ते। कोफ्ते का मसाला ये है और ये कोफ्ते हो रहे हैं फ्राई, जो इनकी बॉल बनेंगी। बॉल बन के जो है इसमें फ्राई होंगे। कितनी देर फ्राई करेंगे इनको? मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सिकने तक। मीडियम फ्लेम पर अच्छे से लाल हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे बाहर से, गोल्डन ब्राउन। मीडियम फ्लेम पर इसलिए जिससे अंदर तक अच्छे से सिक जाएं, कच्चे ना रहें। ये अभी जो है पाव भाजी अभी ये खरीद गई है और ये अभी चल रहा है। तो इसमें क्या क्या मिलाया है? इसमें ये जो मसाला है, ये लौकी के कोफ्ते हैं। अच्छा, तो क्या क्या लौकी के कोफ्ते हैं? और इसमें एक बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड। और इसमें कलर कैसे है? बेसन है, हल्दी है, नमक मिर्च, खटाई, गरम मसाला, और सबको बाइंड करके उसके गोल्स बनाए जाते हैं। फिर उनको डीप फ्राई किया जाता है। ये डीप फ्राई हो चुके हैं, एक लॉट पूरा हो चुका है। फिर इनको ग्रेवी बना के ग्रेवी में डालते हैं। अगले लॉट की तैयारी हो चुकी है, ये खाली हो चुका है और इसमें जो बचा हुआ था उसको निकाल के अब ये बॉल्स बनने शुरू हो चुके हैं। इसके हल्के हल्के बॉल्स बनाएंगे, ये डालेंगे उसमें और ये ऐसे करके अब देखते हैं। इसमें तो ये वाले हैं 5, 5, 10 और 12, 12 बॉल्स हैं ये। सही से गिने हैं मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 बॉल हैं पूरे। अब इसमें देखते हैं, इसमें अभी 4 तो अभी आ चुके हैं, ये 5वां इधर बनाया जा रहा है। 5, 6 अब के बार के लॉट में मेरे ख्याल में ये ख़त्म हो जाएगा और चल रहा है। ये चिमनी है, चल रही है फैन पर। ये जो है बॉल्स आ चुकी हैं इसमें, 3, 4, 4, 8, 8, 4, 12 और 1, 13 और जो है लास्ट बॉल ये जो है अभी आ रही है इसमें से। ये जो है पूरी 14 बॉल्स हैं, फ्राई हो रही हैं लौकी के कोफ्ते। ये फ्राई होने के बाद में जब ये फ्राई हो जाएंगी तो ऐसे होगा। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट प्रोसीजर? इसके बाद इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे। इसके बाद ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी में क्या क्या डलेगा? ग्रेवी में ओनियन, गार्लिक, जिंजर और प्यूरी डलेगी, टमाटो प्यूरी डलेगी और मिक्स और मसाले डलेंगे, बन जाएगा। यस, सो फिर उसकी ग्रेवी बना के उसमें इसको डाल देंगे, सोक करेंगे 5-10 मिनट्स, उसको सोक करेंगे और बन जाएगा। रोटी या चावल, राइस के संग बहुत अच्छे लगते हैं। अगर अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं तो उसके बिना भी बन जाते हैं। तो उसके लिए गरम मसाला, खड़ा मसाला हम उसके साथ भी डालते हैं, अनियन गार्लिक के साथ भी। तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, लौंग और दालचीनी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलो, थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब कर लो हमारा फूड पेटू।
लाइव फूड दिखाते हैं हम आपको। थैंक यू।